Assalamualaikum, welcome to my food channel Food Twist. आज हम बना रहे फिश और मटर की करी. यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ 1 cup मटर जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया, आधा प्याज, 1 टमाटर, 1 छोटा साइज पीस फिश, ये मैं खुद यूज कर रही हूँ. 1 teaspoon लहसुन अदरक का पेस्ट जो मसाले यूज करे हुआ है, आधा टीस्पून नमक, आधी टीस्पून रेड चिली, 1 teaspoon मेथी, 1 teaspoon जीरा पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी, 1 teaspoon धनिया पाउडर और आधे से कम तेल. फिश को मैंने छोटे साइज के पीस में कट कर दिए और अभी इनको हल्का हल्का फ्राई करेंगे. गैस ऑन कर दिया तो इसमें अभी ऑयल डालते हैं. गैस अभी हाई कर दूंगी ताकि तेल गर्म हो जाए. तेल हल्का सा गर्म हो गया तो अभी इसमें फिश डालेंगे. फिश को लाइटली कुक करेंगे. तो अभी इसको निकालते हैं. अभी इसी ऑयल में प्याज डालेंगे तो इसको गोल्डन ब्राउन करते हैं. प्याज अभी गोल्डन हो गए, हल्का हल्का फ्राई कर लिया तो थोड़ा सा पानी डालेंगे. लहसुन अदरक का पेस्ट, एक मिनट के भूनने. अभी टमाटर डालेंगे. कवर कर दे जब तक ये टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं. लॉन्च कर दिए मैंने. टमाटर भी सॉफ्ट हो गए. अभी छिलके मैंने उतार दिए तो अभी इसमें सब ड्राई मसाले डालेंगे. अभी इसको 1-2 मिनट के लिए भून लें. मसाला भून लिया, अभी मटर डालेंगे. दो मिनट मटर को भी भून लें, फिर पानी डालेंगे. 1-2 मिनट मैंने भून लिया, अभी इसमें पानी डाल दें. ये फ्रेश मटर यूज करिए तो ये थोड़े से हार्ड होते हैं तो अभी इसको कवर कर देते हैं ताकि ये नरम हो जाए. मटर सॉफ्ट हो गए तो 1 हरी मिर्च अभी इसमें डालते हैं. देखो माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है.
फिश भी डाल दी है मैंने। अभी एक मिनट के लिए इसको फिर कवर करेंगे ताकि सब मसाले फिश के अंदर चले जाएं। चले अभी चेक करते हैं। हमारी फिश और मटर की कड़ी तैयार हो गई है, तो अभी आपको डिश ऐड करके दिखाते हैं। हमारी आज की रेसिपी तैयार हो गई है, तो अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।